हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से ही। तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बैकग्राउंड में पेड़ पौधे। तो हाँ गाइस, तो मैं आ गया था परसों घर, तो ज़्यादा दिन मैं वहाँ रुका भी नहीं। अभी जा रहे हैं हम थोड़ा जंगल लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि लकड़ियाँ भी चाहिए होती हैं खाना खुना बनाने के लिए। और चल रहा हूँ मैं, और मेरे हाथ में है मात्र पानी की बोतल। ठीक है, पानी की बोतल ज़रूरी है ना, क्योंकि लकड़ी तो जैसे तैसे ला ही लेंगे, लेकिन ये धूप के वजह से गर्मी और थकान इधर उधर भागने में, लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भागना पड़ता है ना, इसलिए ज़रा। ठीक है, तो यहाँ का मौसम देखिए, ज़रा देखिए, धुंध के कारण गांव में भी अब मतलब क्लियर दिख नहीं पा रहा, वैसे कम दिख रहा है। आगे देखने की बात करें हम ये चंद्रवनी की साइड, तो यहाँ तो दिख भी नहीं रहा इस समय, शाम के समय तो हल्का फुल्का दिख भी जाता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं जंगल, और जंगल का ये रास्ता है, लेकिन आगे चल के जंगल का रास्ता कुछ पत्थर और कुछ उबड़ खाबड़ रास्तों में बदल जाता है, तो आगे चल के दिखाएंगे आपको। गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये जो जंगली सूअर वगैरह, जंगली भालू और जो बाघ वगैरह रहते हैं, तो उनका स्थान देखिए, जरा स्थान जगह ही देखिए, मतलब ये देखिए, इनको बोलते हैं वड्यार, हमारे यहाँ बोलते हैं नहीं वड्यार, वही नहीं और चीज भी, जैसे हिरण वगैरह हो गए और क्या बोलते हैं हम, जो भी होते हैं जंगली जानवर, ऐसी जगहों के अंदर रहते हैं, क्योंकि यहाँ होता है टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा। और गाइस, आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये पेड़ देखिए, जरा इस पेड़ की हालत देख भी रहे हो आप, लेकिन ये खड़ा कैसे है मेरी समझ में नहीं आ रहा। नीचे से देखिए कितना बारीक है, और ऊपर से थोड़ा मोटा भी है। इसके अंदर है पूरा छिलका, छिलका बोलते हैं ना, जिसमें मतलब जैसे लकड़ियाँ जलाने के लिए बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती है, और उनसे तब आग जलाई जाती है। ठीक है, और यहाँ ऊपर देखिए जरा, ये आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का कटा हुआ, चट्टान काटी हुई है, यहाँ जा रही है घंटाकरण के लिए रोड। ठीक है, और यहाँ से है हमारा रास्ता आगे के लिए, तो हमारा रास्ता भी डैमेज हो चुका है, डैमेज ही बोलेंगे। तो ये रोड थोड़ा आगे तक है, अब घंटाकरण जाने के लिए जो वो है क्या रोड है, वो यहीं हमारे गांव के आगे में से ही बमन गांव से होके ऊपर ही ऊपर निकल जाती है। ठीक है, अब मतलब जहां से भी रोड जा चुकी है, तो ठीक है, एक तरीके से तो ठीक ही है, लेकिन हमारा रास्ता भी हो चुका है डैमेज वगैरह, और कूल नहर का पानी भी हो चुका है, थोड़ा होता है ना, थोड़ा उसमें रुकावट आ चुकी है। तो मिलते हैं आपको और दिखाएंगे आपको आगे। तो गाइस, मैं आपको आगे बता रहा था कि आग जलाने के लिए छिलके का यूज होता है, तो ये देखिए एकदम पेवल लाल छिलका ही है। ठीक है, और अभी पेड़ खड़ा ही है, नीचे भी नहीं गिरा, तो ये ऐसा रहता है और ये एकदम जड़ में रहता है। तो गाइस, अभी ला गए हम ये फ्लैट लकड़ियां हैं ये देखिए, और यहाँ पे भी किए हुए, और यहाँ का सीन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और यहाँ नीचे की साइड है रोड, तो यहाँ रोड से भी जा रहे हैं गांव के कुछ महिलाएं जंगल में, और या ले जा रहे होंगे बकरियां वगैरह। ठीक है, तो गाइस फिलहाल ये रास्ता देख लीजिए जरा आप, ये हमारे जहाँ से हम आए ना, यहीं से आए हम, तो फिलहाल ये रास्ता देखिए जरा, ये रास्ता किस वजह से और का होगा देखिए जरा, ऊपर ही ऊपर ये जा रही है घंटाकरण के लिए रोड। तो जब से ये रोड बनी है, तब से रास्ता थोड़ा अस्त व्यस्त हो चुका है, तो हम ऐसी सामान इन्हीं रास्तों के बीच से ले जा रहे हैं, मतलब जहाँ हमने कभी आए भी नहीं वहाँ आना पड़ रहा है हमें। और एक जूड़ी थी मेरे पे, जूड़ी थी गाइस मेरे पे, जरा एक गढ़वाली भाषा में जूड़ी बहती की वह यहाँ पे है, यहाँ से कुछ मुझे नाप के ले जाना है, जरा मेजरमेंट करके ले जाना है मुझे यहाँ से एक लकड़ी जो आएगी काम। ये रही फिलहाल रास्ते के हाल देख लीजिए जरा आप, और फिर ऐसे ही नीचे तक हो रखे हैं, तो हम ऐसे ही इन्हीं रास्तों के बीच से निकल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लकड़ियाँ टूट रखी हैं गाइस, यहाँ देखिए तो सूखी सूखी लकड़ियाँ हो चुकी हैं, यहाँ पे कुछ इकट्ठे किए हुए हैं, और यहाँ पे भी कुछ हैं, ये थोड़ा ऐसे ही अस्त व्यस्त लोग हैं, इन्हें अभी तक अपने ही बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है। तो गाइस, अभी रास्ते खुलने के आसार ऐसे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी इनके फिर से टेंडर पड़ेंगे अलग अलग से, और अभी रोड भी कुछ ही दूरी तक जा रखी है यहीं आगे तक, तो फिर अभी रोड का भी टेंडर पड़ेगा दूसरा, और इसके भी पड़ेंगे, मुझे तो लगता है कि मार्च के बाद ही पड़ेंगे, जल्दी से जल्दी पड़े हम तो ये चाहते हैं, फिर ये रास्ता भी क्लीन हो जाएगा एकदम से। यहाँ देखिए जरा,
यहाँ तो कुछ अलग ही है, बहुत ही संभाल संभाल के चलना पड़ रहा है और क्लिप भी दिखानी पड़ रही है आपको। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ब्लॉग के बनाने के चक्कर में ही यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ भी यही है और यहाँ तो भयंकर ही है ना, संभल संभल के चलना पड़ रहा है। और ये दो लोग अभी यहीं हैं, जस्ट किडिंग गाइस, लोग नहीं है, चाची लोग ही आ रखे हैं यहाँ, लेकिन बहुत देर से हैं यहाँ। चलो भाई चलो, वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन मैं तो पहले नीचे देख के चलता हूँ। यहाँ देखिए, मिलते हैं आपको सीधे अपने स्टॉप पॉइंट पे, जहाँ पे हम थोड़ा सा आराम करते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम अपने रेस्ट पॉइंट है, थोड़ा आराम आराम करते हैं हम यहाँ पे, और हमारा घर यहीं आगे पे है। आपको दिखाई देता हूँ, मैंने दिखाई नहीं ना यहाँ से। और ये फिर पूरा गांव नीचे की साइड, सबसे ऊपर टॉप पे हमारा घर ही है, और इसके ऊपर है, वैसे जंगल है इसके ऊपर और कुछ नहीं है। तो गाइस हम आ गए थे जंगल से घर, तो उसके बाद खाया हमने, लंच किया हमने, और फिर मैं चला गया था सीधे सोने के लिए, तो उस बीच में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अभी मैंने ये ऊपर से पहन लिया है एक और, क्योंकि शाम के समय चल रही है हवा, हवा चल रही है भयंकर वाली, ठीक है, ठंड तो जो भी होती है लेकिन हवा भयंकर वाली चल रही है। और अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, चल रहा है कुछ काम वगैरह, देख रहा हूँ आप, सॉइल का ही चल रहा है। देखिए अभी मतलब इतनी मिट्टी यहाँ पे निकाल दी है हमने, फर्श पड़ेगा इसके नीचे थोड़ा मतलब, तो पहले ये पत्थर पत्थर नीचे लगाएंगे और उसके बाद ऊपर से सीमेंट सीमेंट डाल देंगे। पिछले समय हमने यहाँ पे कहीं यहाँ पे हमने वो कुचाई, घरेलू सब्जी कुचाई, मतलब ये आलू वगैरह यहाँ पे दबाए थे, लेकिन इसके चक्कर में हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, और इसके नीचे थोड़ा गोबर वगैरह भी है, खाद खूद भी है, तो हमने यहाँ पे रख दिए उन्हें। तो अभी हम करेंगे अंदर से थोड़ा जो मिट्टी रख रखी है ढेर में, उसे हम यहाँ पे डालेंगे, तो ऐसे करेंगे थोड़ा। तो गाइस अभी आ रखा था हमें थोड़ा धुलने के लिए यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे टैंक है जरा, घर से कुछ मीटर की दूरी पे ही है, क्योंकि घर में तो पानी आ नहीं रहा है, और मतलब स्रोत से नहीं आ रहा, वैसे तो आता ही नहीं है लेकिन बहुत ही कम कम बारीक। तो अभी मैं यहाँ पे आ रखा था धुलने के लिए, अब शाम भी हो ही चुकी है, तो वीडियो की एंडिंग भी कर ही देते हैं, 1000 सब्सक्राइबर करा दो वैसे जल्दी से जल्दी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना गाइस। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।